हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सिमरन चावला ब्लॉग्स। आज हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, और आज हम एक और नए कैफे में आए हैं। इसको खुले हुए अराउंड 3-4 मंथ्स हो गए हैं, और जिस कैफे की मैं बात कर रही हूँ वो है आइसैक न्यूटन। ये नोएडा में ही पड़ता है, नोएडा सेक्टर 142। यहाँ पर आपने एडविन नेविस बिजनेस पार्क देखा होगा, उसी के अंदर है ये ग्राउंड फ्लोर पे। इसके अलावा इसकी पहले भी एक ब्रांच है लॉजिक मॉल में, वो वाला अभी तक हमने कवर नहीं किया है, वो 4 ईयर्स ओल्ड है। तो ये सेकेंड ब्रांच अभी इनकी न्यू खुली है यहाँ पर, तो एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी वैसे अच्छा सा लग्जूरियस सा बना हुआ है, एंड इनका फूड रिव्यू करेंगे, सब कुछ करेंगे, सो लेट्स गो। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दो। सिज़लर्स वगैरह फेमस हैं, तो जैसे ही हमने इनसे पूछा कि आपका बेस्ट सेलिंग में क्या है, तो उन्होंने बोला सिज़लर है। तो हमने यहाँ पर सिज़लर में चिली पनीर सिज़लर ट्राई किया, जिसके अंदर हमें चिली पनीर, फ्राइड राइस और वेजिटेबल्स इन चिली सॉस मिलती हैं। तो ये जब सिज़लर आया तो काफ़ी ज़्यादा देखने में ही प्रेजेंटेशन वाइज बहुत अच्छा था, और जब हमने इसका टेस्ट किया तो टेस्ट वॉज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब चिली पनीर की जो ग्रेवी थी वो बड़ी अच्छी थी, चिली पनीर भी क्रिस्पी था थोड़ा थोड़ा, और जो वेजिटेबल्स थी ना उसमें काफ़ी स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा था। फ्राइड राइस भी बहुत अच्छे थे, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, तो इसलिए हमने ना उसको चिली सॉस के साथ मिक्स करके खाया जो ग्रेवी वगैरह आई थी, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। देन वी ट्राइड यहाँ का पास्ता, अल्फ्रेडो हमने लिया था स्पेगेटी में, बट हमें ना ऑनेस्टली पास्ता नहीं पसंद आया। मतलब हमने इनसे पूछ के लिया था कि क्रीमी होगा या नहीं होगा, तो वो क्रीमी तो समझ लो था, बट मतलब टेस्ट यार मज़ा नहीं आया। ब्रोकली सिर्फ डली हुई थी उसके अंदर, और ना मतलब घर वाला पास्ता काइंड ऑफ लग रहा था, वी रियली डिडंट, मतलब इट वाज लाइक ओके। अगर मैं आपको एम्बियंस का बताऊं यहाँ का, तो एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब एकदम प्रिटी एम्बियंस अगर आपको चाहिए ना। मतलब हमें यहाँ पर डे वाइब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, नाइट वाइब बहुत सुंदर है। मतलब लाइटिंग इनकी ऊपर जो लगी हुई है वो बिल्कुल चेंज होती है, और काफ़ी सुंदर सा है। मतलब हमें ऑनेस्टली नाइट वाइब बड़ी अच्छी लगी। इसका इंडोर काफ़ी लग्जूरियस बना हुआ है, और ये ओवरऑल काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हम यहाँ पर एडवेंट बिजनेस पार्क में पहली बार आए हैं, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। मतलब वही है, फूड इतना मज़ा नहीं आया फूड में। सिज़लर्स, मतलब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो आप सिर्फ सिज़लर्स वगैरह ही ट्राई करना। क्वांटिटी इनका आई गेस इतना अच्छा नहीं है, तो उसके साथ रिस्क मत लेना, क्योंकि हम ले चुके हैं रिस्क, तो आई वुड रेकमेंड क्वांटिटी मत ट्राई करना। बट हाँ, ये इनका नॉर्थ इंडियन और चाइनीज़ वगैरह अच्छा है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैफे कैसा लगा, आइसैक न्यूटन एडवेंट बिजनेस पार्क, इट वाज फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।